हैप्पी एनिवर्सरी। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग कैसे बढ़िया होंगे? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज बुआ के घर की शादी है तो हम लोग जा रहे हैं, और कल रिसेप्शन है तो कम ही घर, मतलब घर वाले ही हैं, कम ही लोग बुलाए हैं, उसमें से हम लोग भी हैं। और ये देख सकते हैं आप समो, यहाँ कक्का बुआ मामा आ गए हैं जो कि दिख नहीं रहे। तो चलो गाइस चलते हैं, और मुझे बहुत ही मुश्किल आ रहा था सूट लगाने का, तो ऐसे ही चल गई। तो चलो, मगर समो ने लगाया, मुश्किल भी शिकार था समो को, मगर लगाना तो पड़ेगा गाइस। जींस में जा नहीं सकती बुरानी जो है। तो चलो गाइस अभी हम पैदल जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पे है, दस मिनट ना, इतनी ही दूरी पे है। तो लेट्स गो। यो, इस टाइम हो चुका है 8। तो चलो गाइस। सो गाइस, ये दुल्हन की बड़ी बहन है, देख सकते हैं आप गाइस। अब हमारी खातिरदारी हो रही है। सो गाइस, लॉर्ड और चटनी खाते हैं। ये है लाहौरी ट्रेडिशनल फूड, तो देखिए तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है गाइस, खाते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने खा भी लिया, और ये देख सकते हैं आप दुल्हन ये है, और अभी मेहंदी लगा रहे हैं हम लोग, ये करके सारे लगाएंगे। सो गाइस, जो राइट साइड में दीदी है वो इनकी बहन है दुल्हन की। और गाइस, ये दीदी के मम्मी पापा जो देख रहे हैं आप लोग। सो गाइस, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, और मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, और फटाफट निकलते हैं। दीदी समो मम्मी वगैरह सबको दिखा दूंगी मैं अभी, तो फटाफट चलते हैं। देखिए समो आ भी रहे हैं वहाँ से, पर देखो। तो गाइस चलो फटाफट चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं निकल गई हूँ पापा के साथ शादी में। कहाँ पे? शादी में होटल कार्तिकेय। यस, चलो गाइस चलिए वहाँ पे मिलते हैं। सो गाइस, आती मैं खाने आ चुकी हूँ गोलगप्पे, और देख सकते हैं आप समो को भी, समो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और फटाफट जोर जोर से मतलब पड़ेगा, नहीं तो कॉपीराइट आएगा गाइस। तो चलो सारा कुछ खा के जाऊंगी मैं फटाफट। Okay.
गाइस ये रहे दूल्हा दुल्हन जिन्हें हार वगैरह लगा रहे हैं लोग, और देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे दोनों। और गाइस चलो अब नाचने चलते हैं। मैं शादी से आ गई थी, बहुत मज़े किए हमने, डांस किया अभी आप लोगों ने वीडियो में वैसे भी देख लिया होगा, तो बहुत थक चुकी हूँ। और अभी ऐसी प्लानिंग हुई है कि एनिवर्सरी है थम और उनका काका का, तो अभी काका सरप्राइज़ करेगा थम को और मुझे बोला है कि तू शाम को केक लेने आ जाइए, तो मैं केक लेने जाऊँगी शाम को गाइस। और देखते हैं केक कैसा लाता है, काका का पसंद कैसा होता है केक का, तो वही बात है। और हम भी खुश होते हैं कि क्या है, देखते हैं, सरप्राइज़ होते हैं कि नहीं। तो गाइस फटाफट केक लाएंगे, चलो अभी वैसे तो कल आएगा मुझे पकड़वा देगा, तो मैं तब तक ऐसी डेकोरेट जैसा कर दूँगी नॉर्मल सा। और गाइस मुझे तो पता नहीं था कि इनकी एनिवर्सरी भी है, कका ने बताया मुझे, तो ज़्यादा सोचती मैं, अब सोच की लेट पता चला, अब कुछ नहीं हो सकता गाइस, तो चलो। सो गाइस केक आ चुका है, हम आपको सरप्राइज़ दे रहे हैं, तो गाइस मैं ले जा रही हूँ रूम को, तो छमों को पता नहीं है, तो चलो अंदर। सो गाइस देख सकते हैं काका कुछ ऐसी केक लाया है, अभी परे निकालती हूँ मैं। और 12 बजने वाली का इस एनिवर्सरी होने वाली इनकी 12 बजे, तो चलो इसको बाहर ले जाती हूँ। सो गाइस काका ने समो के लिए एनिवर्सरी का केक, देख सकते हैं आप, बढ़िया। और ये रहा, अभी 12 बजने वाले हैं गाइस, यो सरप्राइज करते हैं समो को। सो गाइस रात को केक वगैरह कट कर लिया था मैं, वीडियो नहीं बना पाई, और बड़ा अच्छा लगा था हमों को। और गाइस अब भी जा रहे हैं हम घूमने, फिर सोचा तो ऐसा है, अभी पता नहीं है कि कहाँ जाएंगे, और मुझे बुलाया इन लोगों ने कि चल निकला तुझे पार्टी करा दें, तो मैं सोचा चल ही लेती हूँ। फिर अब देखते हैं, सारे रेडी हो रहे हैं सारे, मतलब कक्का और थामो, पहले दीदी भी आ रही थी तो दीदी ने अब कैंसिल कर लिया है, तो अब जाएंगे हम तीन। तो गाइस पता नहीं अब कहाँ जाएंगे, शायद मेरे ख्याल से मनाली जा रहे हैं, बोल तो ऐसे ही रहे हैं, तो चलो गाइस मनाली चलते हैं, फिर कैसा रहता है देखते हैं एनिवर्सरी, लेट्स गो। सो गाइस हम लोग मनाली पहुंच चुके हैं, और देख ही सकते हैं आप इन दोनों को, हैप्पी एनिवर्सरी गाइस दोनों को, वाह। और गाइस यहाँ पे म्यूजिक लग रहा था इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सो गाइस जस्ट अभी मनाली से पहुंचे हम, एनिवर्सरी भी बढ़िया रही। और गाइस आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन पे क्लिक कर देना। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बढ़िया होगी वो, आप देखना, क्योंकि वो भी वेडिंग की है, तो गाइस जरूर देखना, तो बाय गाइस।